नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे इप्का लेबोरेटरीज के बारे में। इप्का लेबोरेटरीज आज के दिन 3 से 3.5% अपसाइड जाकर क्लोजिंग दिया है, और ये जो ट्रेंड है ना इप्का लेबोरेटरीज का, फार्मा स्टॉक का, वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे काफ़ी टाइम से ना उसमें गिरावट देखने को मिला, कई स्टॉक थे जो अपसाइड जाते, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टॉक जो थे वो गिरावट में ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इप्का लेबोरेटरीज में भी 1,080 कल के दिन जब मार्केट गिर रहा था तो इसमें अपसाइड गया। क्यों जा रहा है कि इस वक्त जो है ना इन्वेस्टर्स अब चेंज हो रहे हैं, मतलब कि पहले जो डिफेंस को लेकर, रेलवे स्टॉक को लेकर भाग रहे थे, और वो आईटी तरफ आ रहे हैं, आईटी की तरफ आ रहे हैं, एफएमसीजी के बाद में एफएमसीजी की तरफ आ रहे हैं, फार्मा को लेकर चल रहे हैं। तो इस वजह से ना हमको एफएमसीजी के साथ साथ जो है फार्मा में भी अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन यहाँ पे 3.5% का अपसाइड गया है, और आने वाले टाइम पे भी थोड़ा इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त जो हमारे पास एक मजबूत सपोर्ट है 1,120 का है, मार्केट क्लोज किया 1,176 पे, नीचे से 50 पॉइंट का एक अच्छा मजबूत सपोर्ट लेवल है। और आने वाले टाइम पे हमको थोड़ा सा ना इसमें या 1,232 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो है 1,1300 रुपया। तीसरा टारगेट जो रहेगा हमारा 1,360 रुपये तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। ध्यान किन चीज़ों का रखना है, 1 से 2 दिन जब तक मोदी जी शपथ ग्रहण नहीं लेते हैं तब तक थोड़ा मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन ये गिरते हुए मार्केट में अगर गिरता भी है तो ये लेवल सपोर्ट लेवल का काम करेगा, नहीं तो यहाँ से भी चांस है अपसाइड देखने को मिलेगा। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। जय हिंद।